सीहोर जिले के अहमदपुर वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए वन अमले पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया, जिससे वन रक्षक को चोट आई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस से भी अतिक्रमणकारियों की झड़प हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल अहमदपुर वन परिक्षेत्र की मगती बीट पर वन भूमि पर ट्रैक्टर से अतिक्रमण करने की सूचना विभाग को मिली थी, जिसकी सूचना का वन परिक्षेत्र अहमदपुर के डिप्टी रेंजर 6 वन रक्षकों के साथ मौके पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। अतिक्रमण को हटाने के दौरान लोगों ने वन अमले पर हमला कर दिया, जिससे एक वन रक्षक को चोट आई है। डिप्टी रेंजर ने अहमदपुर थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस सूचना पर पहुंची अहमदपुर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस को देखकर कुछ अतिक्रमणकारी मौके से भागने के लिए, लेकिन महिलाएं पुलिस कर्मियों से भिड़ गईं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजी से ये जो है वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है महिला किस तरह से ट्रैक्टर के पहिए पर बैठ गई है और एक और दूसरी महिला हंसिया लेकर पुलिस अमले को धमकाने लगी है। स्थिति को देखकर पुलिस को वापस लौटना पड़ा। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी मांगीलाल गुर्जर और उसके परिवार के लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। वन अमला वन भूमि के अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण की जब्ती के लिए ग्राम टाडा में गया हुआ था, जहाँ टाडा के अनावेदक हैं निर्भय सिंह गुर्जर। उनके यहाँ पे ये आरोप था कि उन्होंने वन भूमि पर ट्रैक्टर चलाया है, तो उक्त ट्रैक्टर को वो जब्ती की कार्रवाई के लिए गए हुए थे। वहाँ पर वन अमले के साथ में बदतमीजी हुई थी। फिर डिप्टी वन परिक्षेत्र अधिकारी के ने फोन किया, तो मैं अपने बल के साथ में भी स्वयं भी पहुंचा। वहाँ पर स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि वन विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त कार्रवाई कर रहा था, किंतु वहाँ पर परिस्थिति को देखते हुए वो जब्ती की कार्रवाई नहीं हो सकी।